हेलो डेयर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी जॉब जो उन लोगों के लिए है जो लोग बेल्ट फोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं अपना, लाइक इंडियन आर्मी में काम करना चाहते हैं, ये जॉब उन लोगों के लिए है। इस जॉब में जो बात करें, जो कुछ नंबर ऑफ पोस्टर्स हैं इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है उन लोगों के लिए जो लोग बेल्ट फोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, लाइक इंडियन आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहते हैं। तो इस जॉब की बात करें, जो आपने सुना होगा ये जॉब जो है एम ई में है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है। एक बैंक होती है जो कि इंडियन आर्मी में भी काम करती है, एयरफोर्स में भी काम करती है और नेवी में भी काम करती है, और भी बहुत सारी आर्मड फोर्स होती है उनमें भी काम करती है। उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो है काम करती है। तो इसमें पोस्टर्स की बात करें तो 41,822 पोस्टर्स निकली हुई हैं। तो ये बहुत लंबा जो बहुत बड़ी तादाद होती है पोस्टर्स की, इसमें काफ़ी पोस्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इसका एग्ज़ाम भी जल्द होगा फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होगा बहुत ही जल्दी होने वाला, फिर इतना टाइम नहीं मिलता है। एग्ज़ाम में आपको जो बेसिक्स होता है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल स्टडीज़ ये वगैरह रहने वाले हैं। आप लोग इस सिलेबस पर फोकस करें, और बाकी डिटेल सिलेबस क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर लेके बता दूंगा। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसकी PDF मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में डाली हुई है। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे चैनल के नीचे, वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक को ज्वाइन करके आप वहाँ से जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी कितनी पोस्ट्स हैं और कौन कौन से फील्ड में निकली हुई हैं, कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई है MES की जॉब। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, तैयारी कीजिए, बहुत ही जल्दी SSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और बहुत सारी पोस्ट्स इसमें जो UPSC के द्वारा फिल की जाएंगी। तो एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। आपको कोई भी अप्लाई करने में या फिर स्टडी मटेरियल वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे इंस्टाग्राम पे चाहे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल भी मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी मैसेज वगैरह मुझे सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ह्यूज वैकेंसीज है, आप आज इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। किस तरह से अप्लाई करना है मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो बाकी डिटेल्स क्या है पोस्ट की, लाइक सिलेबस क्या है, क्या क्या कौन सी पोस्ट है, वो भी आपको स्क्रीन पे लेके बता दूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मुझे इससे ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लेके आ सकूँ। तो फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर दिस वेरी पोस्ट, ये जो है MES में जॉब की जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, अगर आपने 10th पास की हुई है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी कर सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग ग्रेजुएट हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्राम एक लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक रहने वाली है। लोअर लेवल के लाइक 10th पास की और 12th पास जो लोग हैं उनकी जो पोस्ट हैं वो SSC के द्वारा फिल की जाएंगी। उसके बाद जो ग्रेजुएट होते हैं वो ग्रेजुएशन जिनकी क्वालिफिकेशन है उनका UPSC के द्वारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जल्दी इस एप्लीकेशन के लिए आप इस नोटिफिकेशन जो है ये है, तो इसमें आप जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाइए, जल्द से जल्द एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रिपेयर होने के लिए। तो चलो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ आप इसको इसमें जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो स्क्रीन पर लेके आपको बता देता हूँ। और जिसका PDF है ग्रुप में मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि किस तरह से ये नोटिफिकेशन आई हुई है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जॉब जो आई हुई है 17 जुलाई से आई हुई है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग, ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल MES की जो वेबसाइट है उसको भी मिल उस पर भी मिल जाएगी आपको। ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस अकेडमी के अंदर, डिफेंस के अंदर आती है ये MES की जो विंग है, डिफेंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट निकली हैं, आर्किटेक्ट कैडर में जो निकली 44 पोस्ट हैं, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की 120 पोस्ट हैं, सुपरवाइज़र बैरक एंड स्टोर की 534 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट मैन की 944 पोस्ट हैं, स्टोर कीपर की 1026 पोस्ट हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ जो है जिसमें 10th पास एलिजिबिलिटी रहने वाले 11,316 पोस्ट हैं,
मेरिट की जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है गर्ल्स में वेस्ट की 27,920 वैकेंसी जो है मेरिट की हैं, जी टोटल मिला के 41,822 वैकेंसीज हो जाती हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, मेरे ग्रुप में दी हुई है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं इसके लिए सिलेबस वगैरह, ये आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी अप्लाई करने का लिंक नहीं आया है, लेकिन ऑल जॉब जो एक वेबसाइट है वहाँ पर दिया हुआ है, MES रिक्रूटमेंट PDF रिलीजड 41,822 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, आर्मी MES रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑल ओवर इंडिया स्टेट जिसके जॉब वैकेंसी है ना, ऑफिशियल वेबसाइट जो MES.gov.in है, आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट जुलाई अगस्त में, मैं भी अब होप के अगस्त के एंडिंग में इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, या प्लस तो सितंबर के आसपास इसकी नोटिफिकेशन जो है आ जाए। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जैसा कि मैं आपने पहले को बता दिया आपको, इसमें जो एज रहेगी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर है, 30 ईयर्स के बाद अगर एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी। जनरल एंड OBC के लिए फ़ी है 100 रुपीज़ है, ST SC के लिए कोई चार्जेस नहीं है फ़ी की। ये नोटिफिकेशन जो है 17 जुलाई से आई हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th पास 12th पास आर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर यूनिवर्सिटी पोस्ट वाइज। तो इसमें गर्ल्स सिलेबस की बात करें, ऐसे आप देख सकते हैं सिलेबस से, इसमें जनरल इंटेलिजेंस जो रहेगी 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की रहने वाली है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश जो है 25 नंबर की रहने वाली है, नंबरिकल एप्टीट्यूड जिसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं ये 25 नंबर के हैं, स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स जो रहेंगे आपको MES के रिकॉर्डिंग ये 50 मार्क्स का रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, नहीं है तो भी कोई परवाह नहीं है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड, ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है, यू हैव टू कम MES.gov.in पे जाना है आपको, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी MES में जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आर्मी में जो पोस्ट निकली उनकी जॉब की डिटेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।